हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजी। सो आप लोग में से जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस साल मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, इसका जो है फॉर्म निकल गया है। पहले डेट इसका 15th of March था, और वो जो फॉर्म का जो अब फाइनल अप्लीकेशन का जो डेट है वो एक्सटेंड हो गए 23rd March 2021 तक कर दिया गया है। यानी 23rd मार्च तक आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं कोर्सेज की बात करूं तो यहां पे 3 मेजर प्रोग्राम है जिसमें कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ये स्पेशली फॉर द सोशल साइंस बैकग्राउंड। पहला है आपको सोशियोलॉजी, दूसरा है आपका इकोनॉमिक्स, और तीसरा है आपका IR। अगर आप लोग साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बारे में अगर नहीं जानते हैं, तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो है ये सार्क के द्वारा बनाया गया एक यूनिवर्सिटी है जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और इस यूनिवर्सिटी में 50% ऑफ द सीट्स जो है ये इंडियंस के लिए रिजर्व्ड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे सार्क के बारे में कि आप किस तरीके से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप फिलअप करना चाह रहे हैं इसका ट्यूशन फी क्या है, हॉस्टल किस तरीके से अलॉट होता है, क्या मिलता है। लेकिन जो मेजर पॉइंट है जो इस वीडियो में हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, अगर मान लीजिए अगर आपका JNU एडमिशन नहीं हो पाता है या जामिया में नहीं हो पाता है, तो उस हिसाब से साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ का फ़ी इन कंपेरिजन टू JNU थोड़ा सा हाई है, लेकिन स्कॉलरशिप मिल जाता है और आप यहाँ पर अच्छे से सस्टेन कर सकते हैं। प्लस यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। और हम लोगों का फोकस क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन पे है, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो है अब इसका फॉर्म आने के बाद लोगों का क्वेरीज था कि हम लोग टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन बैंक कब लेकर आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम ट्रेजी का जो IR का टेस्ट सीरीज है ये 15th मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। और इस बार जो है हम लोग IR के टेस्ट सीरीज के साथ साथ जो है क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया था कि UGC नेट के जो पेपर्स हैं उसको हम लोग क्लासीफाई कर लिया है डिफरेंट सेक्शंस में, और जिन लोगों को वो चाहिए तो हम लोग वो ही प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ऑलरेडी जो है IR NPISM का कंबाइंड क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे सारे थ्योरी जो भी चीज़ होती है वो सब हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग में से जिनको ऑनलाइन क्लासेस लेना है तो आप लोग प्लीज़ रजिस्टर कर सकते हैं, और हम लोगों का नंबर भी दिया हुआ है। अगर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हम लोग को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर जिनको टेस्ट सीरीज चाहिए, अब देखिए क्या है कि साउ का जो क्वेश्चन पैटर्न होता है उसमें दो अलग अलग सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन होता है जहाँ पे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में उन सारे कंट्रीज़ को ज़्यादा फोकस किया जाता है जो कि सार्क नेशंस हैं या सार्क कंट्रीज हैं। तो उसके अलावा जो दूसरा एक मेजर सेक्शन होता है जो कि आपका JNU IR या जामिया IR के सिमिलर होता है, तो वो सारा जो है वो टेस्ट सीरीज में आपका कवरअप 100% हो जाता है, चाहे वो IR थ्योरीज को लेकर हो या फिर आपका अगर आप बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर है, वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर है, तो वो सारी चीज़ें जो है जो टेस्ट सीरीज हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसमें कवरअप हो जाएगा। और फाइनली मैं आपको बता दूं कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम डेट है ये 10th अप्रैल का है। 10th अप्रैल को IR का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग में से अब जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस साल सोच रहे हैं प्रिपेयर करने के लिए, तो अब आप लोगों का टाइम आ गया है जहाँ पे आप लोग सीरियस हो सकते हैं। JNU का अभी तक जो है अप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है, लेकिन साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का आ गया है, तो एटलीस्ट आप लोग यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि मुझे सिर्फ JNU जाना है, साउथ एशियन का नहीं जाना है, यहाँ के नहीं करना है, फिर भी आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर दें, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है JNU के एग्ज़ाम से पहले हो जाएगा। तो आपको एक प्रिपरेशन का एक स्ट्रैटेजी पता चल जाएगा, जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपका प्रिपरेशन कितना है, कितना आप सॉल्व कर पाते हैं, तो इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपका पता चल जाएगा। और जब आप JNU के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका प्रिपरेशन लेवल और अच्छा हो जाता है। और क्लासेस के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में, क्वेश्चन बैंक या UGC नेट का जो सेक्शनल क्वेश्चन बैंक है, किसी भी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग हम लोगों को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आवर नंबर्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो।
एंड अलॉन्ग विद दैट वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग ए फॉर्म, अगर आप लोग को क्लासेस करनी है तो आप लोग उस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, देन वी आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू एंड विल शेयर ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द क्लास, द काइंड ऑफ नोट्स दैट वी प्रोवाइड, द काइंड ऑफ लेक्चर्स दैट वी आर गोइंग टू गिव, द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर। और हम लोग ने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का फॉर्म कहाँ पे फिलअप हो सकता है, उनके डिटेल्स क्या है, प्रोस्पेक्टस क्या है, उन सारी चीज़ों का भी लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे भी जाके अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और याद रखिए लास्ट डे जो है 23rd of March है, और एग्ज़ाम का जो IR का एग्ज़ाम का डेट है वो आपका 10th of April है। तो रफली अगर आप देखते हैं तो अराउंड 15 days बचता है बिटवीन लास्ट डेट एंड एग्ज़ाम का, और अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि उसका साउ का एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। होता है वेल एंड गुड, नहीं होता है इट्स टाइम टू बी प्रिपेयर्ड। सो इसके अलावा आपके पास कोई और भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड वी आर गोइंग टू रिप्लाई। थैंक यू।